हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी बटन बटन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन वन से लेके थ्री तक इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है. अब बारी है क्वेश्चन नंबर फोर की. तो क्वेश्चन फोर को मिलकर पढ़ते हैं. राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने अल्फाज में इस कहानी को लिखिए. तो इस कहानी को अपने अल्फाज में लिखते वक्त आपने कौन से अहम पॉइंट्स को इसमें शामिल करना है. सबसे पहला पॉइंट होगा, आप नॉर्मा के मुतालिक बता सकते हैं कि वो क्या थी, एक वर्किंग लेडी यानी घर से बाहर काम करती थी, और आर्थर कौन था, वो उसका हस्बैंड था यानी शौहर. और नॉर्मा के मुतालिक बताया जाएगा कि वो कैसी खातून थी, वो बहुत ग्रीडी यानी लालची थी. और यहाँ आप ये पॉइंट शामिल कर सकते हैं, वांटेड मनी बाय हुक और क्रूक, यानी उसे किसी भी तरह से बस पैसा हासिल करना था. इसके बाद जिक्र किया जा सकता है मिस्टर स्टूअर्ट का, गेव हर एन ऑफर ऑफ $50,000, जो कि ऑफर एक शर्त के साथ आई थी कि स्टूअर्ट की तरफ से दिए गया जो डब्बा था उसका बटन दबाने पर $50,000 तो हासिल हो जाएंगे, लेकिन साथ ही कोई ना कोई ऐसा शख्स मर जाएगा जिसको कि वो ना जानते हों. नतीजतन क्या हुआ, नॉर्मा एंट्रैप्ड ड्यू टू हर ग्रीडी नेचर, यानी वो अपनी लालची फितरत की वजह से फंस गई, क्योंकि अब वो बटन को दबाने के मंसूबे बनाने लगी और उसको इस बात की भी परवाह नहीं थी कि इससे कोई शख्स मर भी सकता था, बल्कि वो इसके लिए बहाने बनाने लगी कि हो सकता है वो कोई ऐसा शख्स हो जो कि कोई गरीब किसान हो या फिर कोई कैंसर का मरीज हो. जबकि दूसरी तरफ उसका जो शौहर था, हस्बैंड ट्राई टू स्टॉप हर, वो उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन शी डिड नॉट लिसन, उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी. और बिलाखिर क्या हुआ, फाइनली शी पुश्ड द बटन, गॉट हर हस्बैंड किल्ड, उसने वो बटन दबा दिया और नतीजतन उसे पैसे भी मौसूल हुए, लेकिन साथ ही वो खुद ही अपनी लालच के जाल में फंस गई और उस बटन के दबाने से उसका शौहर मर गया. इसके बाद इस बात को भी शामिल किया जा सकता है कि नॉर्मा की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई जब उसे अपने शौहर के मरने की इत्तला मिली, और उसने फौरन स्टूअर्ट को फ़ोन किया और उसे ये गिला करने लगी कि उसने ये शर्त रखी थी कि जो शख्स उस बटन के दबाने से मर जाएगा वो उसको नहीं जानते होंगे, लेकिन वो तो उसका शौहर निकला. इसके जवाब में स्टूअर्ट ने क्या कहा, स्टूअर्ट ने बड़े आराम से ये जवाब दिया कि यकीनन नॉर्मा जो है वो अपने शौहर को जानती ही नहीं थी. जैसे कि इस पूरी कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से दोनों, जो वो बीवी और जो शौहर था, उन दोनों की जो फितरत थी वो किस कदर मुख्तलिफ थी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव. व्हाट मॉरल लेसन डज द स्टोरी टीच, यानी इस कहानी से क्या इखलाकी सबक मिलता है. तो मॉरल लेसन क्या है, ग्रीड इज अ कर्स, यानी लालच बुरी बला है या लालच एक किस्म की लानत है. तो इस सवाल के जवाब में इस बात को मजीद एक्सप्लेन करते हुए इन नुकात को शामिल किया जा सकता है, नॉट टू बी ब्लाइंडेड टू गेट मनी एट अदर्स इनकन्वीनियंस, यानी एक शख्स को किसी दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए पैसा हासिल करने की लालच में या कोशिश में अंधा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वी शुड वैल्यू पीपल एंड लाइफ नॉट मटीरियल, हमें लोगों की और ज़िंदगी की कद्र करनी चाहिए ना कि सिर्फ चीज़ों की, क्योंकि ग्रीड कैन ब्लाइंड अस टू ओवरलुक बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल सिंपथी, केयर एंड काइंडनेस एक्सेट्रा. क्योंकि हमें लोगों और ज़िंदगी की कदर क्यों करनी चाहिए चीज़ों के मुकाबले में, क्योंकि लालच जो होती है वो हमें बिल्कुल अंधा कर देती है और वो हमें ऐसा बना देती है कि हम इंसानी कदरों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि दूसरों के लिए हमदर्दी, उनका ख्याल रखने की कोशिश और उनसे रहम दिली से पेश आना. इन तमाम खूबियों से इंसान आरी होता चला जाता है, यानी बेहस होता चला जाता है, और वो फिर दूसरों के मुतालिक नहीं सोचता और ख़ुद गर्ज हो जाता है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान तक पहुंचा देता है. जैसे कि इस कहानी में साफ जाहिर है कि नॉर्मा का जो किरदार है वो बिल्कुल इस बात पर पूरा उतरता है, वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी अपनी लालच की वजह से, और उसका कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या हुआ, वो खुद अपनी लालच के जाल में फंस गई एंड लूजेज हर हस्बैंड, यानी अपने शौहर को उसने खो दिया. तो लिहाजा इस पूरी कहानी से यही सबक मिलता है कि ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है और उसका नतीजा अच्छा नहीं होता. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स. व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन,
यानी बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम मौसूल हुआ? तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि वो जो मैसेज था वो बहुत ही शॉकिंग था, अ वेरी शॉकिंग मैसेज, यानी उससे नॉर्मा को एक धचका सा लगा। और इसके बाद बताया जाएगा कि उस मैसेज में क्या था। नॉर्मा वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन फोन अबाउट द सबवे एक्सीडेंट, यानी उसे ये बताया गया था फ़ोन पर कि सबवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था, हर हस्बैंड हैड डाइड, उसका शौहर मर चुका था। और साथ ही अगर इन पॉइंट्स को भी शामिल कर लिया जाए कि इस बात को सुनकर नॉर्मा की क्या हालत हुई, गॉट जॉल्टेड इमोशनली एंड फिजिकली, उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका लगा, लॉस्ट हर सेंसेस एंड सेल्फ कंट्रोल, और उसने अपना अपने होश और ख़ुद पर काबू खो दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What is the significance of Arthur's life insurance policy? Yani Arthur jo ki Norma ka shohar tha uski jo life insurance policy thi yani jo zindagi ka bima usne kara rakha tha uski kya ahmiyat thi? To is sawal ke jawab mein bataya ja sakta hai ki life insurance policy jo thi wo $25,000 ki thi, aur khaas baat ye hai ki was to become double in case of his death, aur अगर वो मर जाता तो उस सूरत हाल में वो जो $25,000 की बीमा की रकम थी वो दुगनी हो जानी थी, यानी वो बन जाती $50,000। और ऐसा ही हुआ क्योंकि जब नॉर्मा ने बटन दबाया और उसका शौहर मर गया तो उसके बाद उसे $50,000 मिलने की रकम की खबर भी मिली। लेकिन ये सारी बात जो है बहुत ही सितम ज़रीफ़ी की बात थी और बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि ये सारी रकम जो है वो नॉर्मा को सिर्फ उस सूरत हाल में मिलनी थी कि जब उसके शौहर की वफ़ात हो जाती। तो लिहाजा उसने ना चाहते हुए ये काम किया था कि उसके हाथ से उस खुद यानी अपने शौहर का कत्ल हो गया था, और ये सब उसने सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए किया था और इस बात की परवाह नहीं की थी कि बटन दबाने से किस शख्स की मौत होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मिलकर इसे पढ़ेंगे। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, यानी जब नॉर्मा को उसके शौहर के एक्सीडेंट की खबर मिली तो उस पर क्या कैफियत तारी हुई? तो इस सवाल के जवाब में इस किस्म के पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, यानी उसकी हालत ठीक नहीं रही या गैर हो गई इसके बाद। वॉज इमोशनली एंड फिजिकली ब्रोकन, यानी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो गोया टूट सी गई थी। इसके अलावा अ वेव ऑफ चिल वेंट थ्रू हर, उसने अपने अंदर एक सरसरी सी महसूस की, यानी जैसे एकदम जिस्म का ठंडा हो जाना। और इसके बाद वॉइस बिगैन टू ट्रेम्बल विद फियर, यानी खौफ से उसकी आवाज़ कांपने लगी। वॉज ब्रीदिंग क्विकली, और उसने तेज़ी से सांस लेना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, स्ट्रगल टू स्टैंड ऑन अ फीट, उसने कोशिश की अपने पैरों पर खड़े होने की। बट लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर सेल्फ, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। और फिर आखिर में वॉज श्रीकिंग विद ग्रीफ एंड पेन, और उसने दर्द और तकलीफ से और दुख से चिल्लाना शुरू कर दिया। और इसके बाद इस पॉइंट को, अगर इस सवाल के नंबर ज़्यादा हों तो चंद एक और पॉइंट्स भी शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि इसके बाद उसने स्टूअर्ट को फ़ोन किया और उसे गिला किया कि बटन दबाने से खुद उसका अपना शौहर मर चुका है, जिसके जवाब में स्टूअर्ट ने कहा कि वो तो शायद अपने शौहर को जानती ही नहीं थी, क्योंकि उसने ये शर्त रखी थी कि बटन दबाने से वो शख्स मरेगा जिसे वो ना जानते हों। तो ये थे स्टोरी बटन बटन से मुतालिक अहम क्वेश्चन एंड आंसर्स। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए, और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।